अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शगुफ्ता लोधी आज फिर एक नए प्रोग्राम, एक नए पर्सनालिटी और गेस्ट के साथ आपके साथ गिमी टीवी पे हाजिर हूँ। तो बात शुरू करने से पहले आपको एक बड़ी ही मैं मजे की इंग्लिश पोइट्री का एक छोटा सा पीस सुनाती हूँ, जिसमें जिसका ताल्लुक इस पोइट्री का हमारी आज की गेस्ट पर्सनालिटी के साथ है। द डे गोज बाय एंड आई टेक रिफ्यूज इन द एयर दैट कैन टेक मी एनीवेयर द फ्रेग्रेंस लाइक एन एसेंस एडिंग मीनिंग टू माय चोर्स फाइंडिंग ब्यूटी इन द ऑर्डिनरी द थॉट्स। ये खूबसूरत इंग्लिश पोइट्री के वर्सेस हमारी आज की बहुत ही प्यारी, मैं कहूँगी खूबसूरत कहूँगी, और वो प्यारी और खूबसूरत सिर्फ देखने में नहीं है, उनका दिमाग भी उतना ही खूबसूरत उतना ही प्यारा है। तो इस तरह से ये एक डबल ब्यूटी, ब्यूटी विद ब्रेन आज की हमारी गेस्ट हैं, और वो वुल्वरहैम्पटन यूके से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। यास्मीन बीबी उनका नाम है, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट हैं, रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं, क्लिनिकल सुपरवाइजर भी हैं, और उनकी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी है। लेकिन इसके साथ साथ वो फाउंडिंग मेंबर एंड डायरेक्टर थी एस्पायरिंग फ्यूचर, एक फोरम था उसकी, जिसको जुबली, जब क्वीन की जुबली अवार्ड सेरेमनी हुई तो उस फोरम को उनको अवार्ड भी मिला था, जो कि एक बहुत बड़े एजाज की बात है। और अभी आजकल इससे पहले वो रिलेट से भी वाबस्ता रही हैं और आजकल अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करती हैं। तो आज का शो ख्वातीनो हजरात, आप जहाँ जहाँ दुनिया में बैठी हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ऑन वेरी इम्पोर्टेंट इशू। ये हम बात करेंगे आज सारी मेंटल हेल्थ के बारे में, और फिर जूझू और बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने सोचा कि हमें आज ऐसे गेस्ट को बुलाने की जरूरत थी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज पे, डोमेस्टिक वायलेंस पे, रिलेशनशिप इश्यूज पे जो वो काउंसलिंग करती हैं, टॉकिंग थेरेपीज भी करती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए जी, वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो यास्मीन, थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? Much for inviting me, darling. Thanks a lot. बहुत खुशी हुई कि आप आई हैं अपने अपने इतने busy schedule से, क्योंकि बेशक हम सब lockdown हैं, लेकिन आपका तो काम क्योंकि telephone पे भी चलता है और सारा, you are very very busy. But I would say thank you once again कि आपने Gimme TV को time दिया और आज हमारे साथ आप बैठी हैं। तो बात हम शुरू करते हैं कि आखिर आप सबसे पहले तो ये बताइए कि मेंटल हेल्थ इश्यूज की रेशो जो है वो आजकल ओवरऑल इंग्लैंड में और ओवरऑल जो हमारी एशियन कम्युनिटी में है वो कितनी होंगी, क्योंकि आप तो डे टू डे इस इन सब चीजों से डील कर रही हैं। मेंटल हेल्थ की जहां से जब ये बात करते हैं कि अवेयरनेस भी बढ़ी है टाइम के साथ साथ, लेकिन इसके साथ साथ इश्यूज जो है ना वो भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। लेकिन जो ये अवेयरनेस है, ये हो सकता है हमारे जो अपने कल्चर के लोग हैं उनमें हो, लेकिन वो एक्सेस एज सच नहीं करते मेंटल हेल्थ को जितना कि उनको करना चाहिए। तो ये एक डाउनफॉल है, लेकिन ओवरऑल मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है उनमें इजाफा ही हुआ है ओवरऑल दुनिया में, पूरी दुनिया में। जी जी। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से, क्योंकि ये हमने देखा है, जैसे हम भी जब से इंग्लैंड में आए हैं, और क्योंकि मेरा भी कुछ प्रोफेशन जो है वो टीचिंग से है, तो हम देखते हैं बहुत सारा हमारे साथ सोशल वर्कर्स का भी काम होता है, और हमने डे टू डे अपनी क्लासेस में, जूनियर स्कूल्स में भी, सीनियर स्कूल्स में भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं। तो आप इसको थोड़ा सा बताइए कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, इसको ये किस हद तक है, और हमारी कम्युनिटी में, हमारे एशियन कम्युनिटीज में इसकी क्या रेशो है? डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो भी दो तरह का होता है, मतलब एक तो कवर्ट होता है, छुपा हुआ, जिसका पता नहीं चलता कि वायलेंस हो रहा है आपके साथ, और एक जो अब्यूज होती है वो बहुत अपेरेंट होती है, जैसे फिजिकल अब्यूज हो गई, गालिम गलोच हो गई।
तो वो जो है उसको लोग नॉर्मली इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि अगर रिलेशनशिप्स में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा हो तो उनको पता चल जाता है. जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है लोकेट करने में या जानने में वो वाली अब्यूज होती है जो जैसे साइकोलॉजिकल अब्यूज होती है या इमोशनल अब्यूज होती है, फाइनेंशियल अब्यूज होती है, जो छुपी हुई अब्यूज होती है जिसके अंदर जैसे आपका पार्टनर जो है वो आपके नाम रखे, पुट डाउन्स करे, आपकी तालीम का या आपकी इल्म का, आपके इल्म का या आपके जो ओहदा है उसका मजाक उड़ाए, या इमोशनली आपको बैड फील कराए. अगर आप ओवरवेल्म्ड हैं किसी चीज को लेके, परेशान हैं, तो वो आपको कहें कि यू आर टू सेंसिटिव. अगर वो आपका महफिल में मजाक उड़ा रहे हैं और आप इस वजह से परेशान हो गए हैं, तो वो आपको कहें कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, मेरा तो कोई ऐसा सीरियस मसला नहीं था. लेकिन इससे ये होता है कि जो आपकी सेल्फ स्टीम होती है वो इरोड होना शुरू हो जाती है, उसको जंग लगना शुरू हो जाता है आपकी शख्सियत को. तो ये जो डोमेस्टिक अब्यूज है जो कि साइकोलॉजिकल और इमोशनल है, ये ज्यादा डिफिकल्ट है और इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है आपकी सेल्फ स्टीम के ऊपर. अवेयरनेस बहुत ज्यादा है इसके अंदर पहले से एज कम्पेयर टू बिफोर. लेकिन जो हमारी कम्युनिटी है, अगर हम उसकी बात करें, तो उसके अंदर थोड़ा कल्चर का, जो हमारी सकाफत है, थोड़ा मजहब का, उसकी वजह से कई ऐसे एस्पेक्ट हैं, कई ऐसी लेयर्स हैं कि वहां पे लोग जो है डोमेस्टिक अब्यूज को एज सच डोमेस्टिक अब्यूज समझते नहीं है, क्योंकि वो सारे जो है वो रिलीजन के अंदर या वो कल्चर के अंदर उन एस्पेक्ट्स को ले लेते हैं कि अ वुमन शुड बी डूइंग दैट और मैन शुड बी डूइंग दैट और इट्स ओके टू पुट अप विद दैट, कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आपके हस्बैंड ने आपको मना कर दिया है या आपका मजाक उड़ा दिया है या आपको कुछ समझाने की कोशिश की है. या इसी तरह सेम वे में औरतें जो होती हैं, फॉर एग्जांपल आजकल के माशरे में बोथ पार्टनर्स नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, लेकिन कई दफा औरतें मुकम्मल तौर पे मर्दों पे इन्हसार करती हैं फाइनेंशियली. वो भी एक तरह से ये होता है कि समटाइम्स मेन फील टू स्ट्रेस्ड आउट बिकॉज ऑफ दैट, that they are not getting that partnership from their partner, that they're not going out. Okay, when the kids are small, you can understand that. But there comes a time when the partner is working, but the female is not working, and they feel like left out. They feel like their burden is not being shared. Whatever they're earning is being spent on the household. ये कहना कि मर्दों के साथ डोमेस्टिक अब्यूज नहीं होती, सिर्फ औरतों के साथ होती है, ये गलत होगा. ये कहना कि हमारे कल्चर में सिर्फ औरतों के साथ डोमेस्टिक अब्यूज होती है, हमारे कल्चर में मर्दों के साथ डोमेस्टिक अब्यूज नहीं होती, ये भी गलत होगा. तो ये होती है, बहुत कॉमन है, और इसके कई तरीके होते हैं जिस तरीके से ये होती है, और मुख्तलिफ तरीकों से आपकी शख्सियत पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. अच्छा यास्मीन, जैसे भी आपने बोला ये इमोशनल अब्यूज तो बहुत एक कॉमन है जो समझ आती है हमारी बहुत सी, क्योंकि अभी आपका आपको मैंने इसलिए शो में बुलाया क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट और हमारे कम्युनिटी में बैक होम में ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, और हमारे बैक होम में तो इस पे बात करना भी थोड़ा सा मुश्किल, या फिर वही बात है कि हमारे उसको जरा थोड़ा बुरा समझा जाता है, उसमें थोड़ा बाकी चीजें आ जाती हैं, कल्चरल आ जाती हैं, रिलीजियस आ जाती हैं. लेकिन जाहिर है ये अब्यूज तो है ना, जैसे आपने कहा इंटेलेक्चुअल अब्यूज, तो इंटेलेक्चुअल अब्यूज को आप क्या उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगी? जैसे ये कि अगर फॉर एग्जांपल कोई औरत है वो आला ओहदे पे फाइज है और वो घर में जब आती है तो जो उसका पार्टनर है फॉर एग्जांपल हस्बैंड जो है वो उसका उसके ओहदे का मजाक उड़ाए कि तुम ओके तुम समझती हो कि तुम कानून नाफिज करती हो, तुम थानेदार हो, तो ये मत समझो कि इस घर में तुम थानेदार लगी हुई हो, यानी. और फिर ये कि अगर वो पढ़ना चाहती हैं, वो अपने आप को डेवलप करना चाहती हैं, और उनको इस किस्म के पुट डाउन्स दिए जाएं कि ये तुम क्या किताबी बातें लेके बैठ गई हो, मेरे साथ फिलोसोफर बनने की कोशिश मत करो, या सेम वे जो वाइफ है वो हस्बैंड को ये हस्बैंड को कह दे. ठीक. हाँ जी, हाँ जी. ये बड़ी सटल सी होती है, इट्स नॉट वेरी ओपन, इट्स कवर्ड, तो सटल सी होती है. और उसका हमेशा जो भी पार्टनर ये अब्यूज कर रहा होता है वो काफी ज्यादा इस मामले में माइंडफुल होते हैं कि वो ओपनली नहीं करते, मतलब दे यूज सटायर, दे यूज ह्यूमर
टू पुट द अदर पर्सन डाउन. तो जब दूसरा इंसान चाहे वो मर्द हो या औरत हो, व्हेन दे रिएक्ट टू दैट, सो दे कवर इट विद लाइक यू नो मैं तो मजाक कर रहा था या मैं तो मजाक कर रही थी, एंड यू हैव टेकन इट सो सीरियसली. अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन इसको आप क्या आपका एक्सपीरियंस है कि ये इसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं या इसको दोनों ही पार्टनर को देखें इससे, क्योंकि मैं अगला आपसे क्वेश्चन करूंगी बिकॉज आप रिलेशनशिप थेरेपीज भी करती हैं, तो इसका इफेक्ट तो इंसानों के रिलेशनशिप पे भी बहुत पड़ता है ना. हाँ जी, अगर अगर आप किसी को भी पुट टर्म्स कर रहे हैं, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपका बच्चा है, चाहे वो आपका पार्टनर है, अगर अगर आप पुट टर्म कर रहे हैं, अगर आप जो है उनको उनको लेके मजाक उड़ा रहे हैं, उन उनकी जो तालीम है उसको लेके मजाक उड़ा रहे हैं या उनको आगे बढ़ने का प्रॉस्पर होने का मौका नहीं दे रहे, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि उसमें रिसेंटमेंट आ जाएगी उस रिलेशनशिप में. वो जो भी रिलेशनशिप होगा उसमें नफरत हो जाएगी. तो जब भी किसी रिलेशनशिप में नफरत हो जाती है तो उस रिलेशन वो रिलेशनशिप काफी फिर मुश्किल हो जाता है. देन यू स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर क्लोज इन दैट एटमोस्फियर. तो जो जो मियाँ बीवी है वो हस्बैंड अपनी एक लाइफ में हो जाएंगे, वाइफ अपनी एक लाइफ में हो जाएंगे, और वो एक तरह से यू स्टार्ट ग्रोइंग अपार्ट बिकॉज ऑफ दैट रिसेंटमेंट. बिकॉज इतना ज्यादा जो बीच का एरिया है उसमें वो रिसेंटमेंट जो है वो प्रॉस्पर करना शुरू कर जाएगी, बजाय ये कि आप एक दूसरे के साथ बैठ के एक दूसरे को अंडरस्टैंड कराएं कि व्हेन यू से दिस हाउ डज दैट मेक मी फील, लाइक यू डोंट मीन टू से दिस, परहैप्स दिस इज योर वे ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज यू परहैप्स यू आर ट्राइंग टू बी ह्यूमरस, बट व्हेन यू एक्चुअली सेइंग दिस दैट मेक्स मी फील बैड, दैट टेक्स माय कॉन्फिडेंस अवे. तो बजाय ये कि आप दोनों बैठ के एक दूसरे के साथ निगोशिएट करें, बात करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कराएं, तो वो फिर दैट एड्स मोर काइंड ऑफ यू नो. एंड विद एवरीथिंग गोइंग ऑन इन लाइफ, लाइफ इज नॉट इजी. तो रिलेशनशिप में और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे बच्चों के इश्यूज होते हैं, रिश्तेदारों के इश्यूज होते हैं, इन लॉज के इश्यूज होते हैं. तो ऑन टॉप ऑफ एवरी फिर आपकी पर्सनल हेल्थ होती है एज यू ग्रोइंग, यू नो दैट अफेक्ट्स यू एज वेल. आपका वर्क जो होता है वो अफेक्ट होता है. तो फिर अगर ये छोटी छोटी वे में आप दूसरे को चुभन क्रिएट करते रहें, एक दूसरे के लिए पेन क्रिएट करते रहें, तो दैट्स नॉट गोना बी अ हेल्थी रिलेशनशिप, दैट्स गोना बी टॉक्सिक रिलेशनशिप. बिल्कुल आपकी सारी बात में समय, बिल्कुल जाहिर है जिसमें जिस रिलेशनशिप में नफरत आ जाएगी, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और उस डिस्टेंस बढ़ने से वो एक ओवरऑल अगर किसी भी रिलेशन फिर वो एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहता. उसको पैचअप करना भी, जब तक कि दोनों ही पार्टनर या कोई भी किसी भी रिलेशनशिप में बहन भाई का हो, माँ बाप का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, दोस्तों का हो. इसके साथ क्या एक और चीज भी जो कि आपके फील्ड से रिलेटेड है और जिसके ऊपर हमने भी काफी पढ़ने की कोशिश की, ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, और इसको भी चाइल्डहुड ट्रॉमास में मैंने इंग्लैंड आके इसके बारे में पढ़ा, और इसमें फिर कई चीजों में मैं आपको बहुत ऑनेस्ट होके मैं आपको ये बात कहूंगी कि इवन बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास मेरे अपने भी थे, उसको मैंने सॉल्व किया, हील किया, और जिसकी अवेयरनेस व्हेन आई वाज इन द पाकिस्तान उसकी अवेयरनेस ही नहीं थी. वो यहाँ आके अवेयरनेस उसकी हुई, फिर उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में उसका सलूशन. तो मैं चाहूंगी आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि चाइल्डहुड ट्रॉमास क्या होती हैं, और वही इंडिविजुअल्स जब बड़े होते हैं अगर उन ट्रॉमास को डील ना किया हो तो उसका कितना इफेक्ट इंसानों की पर्सनैलिटीज पे पड़ता है. तो आपके पास कितने ऐसे कोई आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे? हाँ जी, जब बातें होती हैं अपरेंटली जब शुरू में तो क्लाइंट्स आते हैं तो उनको ये पता नहीं होता कि उनके अंदर जो कितने ट्रॉमास जो हैं वो रिप्रेस्ड हैं. तो वो बेसिकली समटाइम्स वो दे आर फीलिंग एलियनेटेड विद व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, या उनको लगता है कि वो शायद ऑथेंटिक नहीं है, दे फील लाइक दे आर फेक, जैसे वो कोई फनकारी कर रहे हैं, मतलब दे आर नॉट बीइंग रियल हु दे आर. या उनका कोई ऐसा केओस है लाइफ में, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो उनको डिफिकल्ट लग रहा है उसको सॉर्ट आउट करना. सो दे नीड समबडी हु इज इम्पार्शियल, दे नीड समबडी हु इज नॉन जजमेंटल, दे नीड समबडी हु कैन बी देयर एंड लिसन टू देम एंड नॉट बी हार्श विद देम.
to explore whatever there is, or sometimes people procrastinate, they find it difficult to make a decision, koi faisla karne mein unko takleef ho rahi hoti hai. Yeah, overall, sometimes they feel lonely and they come and they want to talk about. So initially, to pata nahi chalta, jab wo, unko nahi pata hota ke jo unki past life hai, uska kitna impact hai, unki jo current patterns hain attachment ke ya unke jo current way of communication hai ya unke relational aspect hai uske upar jo trauma pehle ho gaya unki life mein aur zaruri nahi unki life mein ho, sometimes that could be a generational trauma, sometimes their mother or their father or their forefathers and they have got it in their genes that sort of a trauma, and then they are not aware of the triggers. Wo unko un triggers ka pata nahi hota, and then they start playing that out in their friendships, they start playing it out in their romantic relationships, they start playing it out in their work environment, aur unko pata nahi hota ki wo kya hua hai, and the trauma could be anything. The trauma could be as simple as jaise kahi clients mere paas aate hain jo Asian background ke hain, jinke parents ne unko bachpan mein India mein bhej diya ho. For example, because the parents want to work hard and they wanted to earn money so that they can buy a property. So the parents would send the child for a year or 2 years with the grandparents or aunties to live with. And they don't know what's happening. So they will have abandonment issues. They would have that sort of, you know, trauma which they have internalized. But they don't know why it is hard for them to say goodbyes. Why it is hard for them when people are not talking to them. So unki jo acceptability hoti hai, uske upar asar padta hai. कई दफा ऐसे लोग होते हैं जो आते हैं जिन्होंने ऑब्जर्व की होती है डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि उनको डायरेक्ट हो सकता है कई दफा उनको डायरेक्ट कुछ भी ना कहा हो पेरेंट्स ने, लेकिन पेरेंट्स उनके सामने लड़ रहे हो, तो उनके अंदर भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं. उनको एंग्जाइटी इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं व्हेन दे गो इनटू रिलेशनशिप. समटाइम्स दे अवॉइड रिलेशनशिप, समटाइम्स दे आर टू quick to form attachments, aur uske piche ye reasons hoti hai ki they have gone through, they have observed, they have seen that uncertainty which has caused anxiety to them. So jo trauma hai wo kuch bhi ho sakta hai. It doesn't have to be a massive thing. It doesn't have to be, you know, somebody getting raped or somebody getting molested at a very young age. It could be some emotional turmoil. It could be you you know, having an accident when you were a child and you have repressed that, but then you have developed a fear to drive or to go on a motorway or something. So these are the things, and then they reoccur in their life, like, you know, in different forms, like anxiety ho jayegi. Sometimes people suffer from PTSD, jaise jo kehte hain ki wo log jo long term domestic abuse mein rehte hain ya kisi bhi tarah ki bullying एक्सपीरियंस करते हैं अपने लाइफ में, उनको भी वैसे ही पीटीएसडी के सिम्टम्स शो होते हैं जैसे सोल्जर्स को होते हैं जो वॉर पे जाते हैं. यानी कि हाउ मच दैट अफेक्ट्स, लाइक कि फौजी भी वही सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि इसका ताल्लुक ये है कि आपकी जो फाइट एंड फ्लाइट मोड है, आपकी जो एंग्जाइटी है, जो आपका जो ट्रिगर है, जो आपका नर्वस सिस्टम, वो कितनी देर तक कितना हाई रहा है, आपका एड्रेनलिन कितनी देर तक हाई रहा है, और उससे फिर वो जो होती है वो आपका जो रश होता है, दैट कॉजेज सच अ बर्न आउट फॉर यू एंड दैट स्टोर्स सच इम्पैक्ट ऑन यू दैट इट इज हार्ड फॉर यू टू लेट इट गो, एंड देन इट काइंड ऑफ यू सप्रेस इट एंड देन यू गो ऑन विद योर लाइफ एंड देन यू फील दैट नथिंग हैज हैपेंड, बट देन थिंग्स स्टार्ट्स हैपनिंग, थिंग्स स्टार्ट्स ट्रिगरिंग, एंड देन इट ब्रिंग्स यू बैक टू यू नो वेयर यू आर कन्फाउंडेड with this reality where you feel like, you know, where I'm going to go from here, like, and I'm finding it difficult to have good relationships, or I'm finding it difficult to say goodbye to people. So then, how you treat those clients jinke andar ye childhood traumas hote hain, hum usko aapki technical language ke bagair agar aam fehm zuban mein hum baat karna chahiye. पूरी कोशिश कर रही हूँ. प्रोफेशनल लेडी, आपने जाहिर है वही टर्म्स, बट अभी सब लोग बहुत अवेयरनेस टर्म है, वो जानते हैं सब कुछ. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल. चूंकि मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ, तो मेरी जो मोडालिटी है वो थोड़ी ऐसी है कि आई डू गो थ्रू द पास्ट
हिस्ट्री, जो उनका चाइल्डहुड अटैचमेंट्स हैं, भाई कितने सिक्योर थे उनके अटैचमेंट्स, कितनी इनसिक्योर थी उनके अटैचमेंट्स, हाउ दे वर रेज्ड, व्हाट. तो मुझे उससे ये फायदा होता है कि जब आप पास्ट में जाते हैं तो यू काइंड ऑफ मेक सम सॉर्ट ऑफ अ टाइमलाइन फॉर द as well, because sometimes it's so chaotic for them, things have happened and they have packed them all in one box, so you kind of sit with them and you take open the box and you kind of make sense of that, like you know, oh yeah, this happened and that led to this and then this happened, and then they have the understanding, unko phir samajh aane lag jati hai, unki ek tarah se psychoeducation ho jati hai ki perhaps I'm scared of trains because you know I was scared once we were going to be late you know going on a train, and then my mom was shouting at me and I was very little and I peed there and I didn't know what to do, and that kind of stayed with me, and now every time when I'm going to do a train journey, that's like, you know, that's happening to me, that's why it creates anxiety for me. So unke jab hum history mein jaate hain piche wali mein, तो फिर उनकी वो समझ आती है कि व्हाट माइट हैव हैपेंड टू देम, दैट काइंड ऑफ मेक सेंस टू देम. तो उनकी अपनी चीजें जो उन्होंने छुपाई हुई होती है वो खुद उनके सामने आती है. बेसिकली हमारे पास या मेरे पास कोई इलाज नहीं है, बेसिकली उस इंसान के पास ही इलाज है. मैंने सिर्फ उसकी हेल्प करनी है वो एक्सप्लोर करने के लिए. और देखा जाए तो मेंटल हेल्थ के अंदर जैसे एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं या डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं या ओसीडी होती है या अदर ऐसे सिम्टम्स होते हैं, उनके अंदर समटाइम्स फिक्स नहीं होता. आप फिक्स नहीं कर सकते उस स्टेट को. यू कैन नॉट मेक देम गो बैक टू हु दे वर बिफोर, लाइक यू नो, और मे बी we don't know whether they were good before or they were not so good before, so we can't fix it. We actually, what happens is when they come to see you, the jo first hota hai unko awareness dilai jati hai ki matlab you are going through this is what's happening to you, so this is the anxiety bit, like you know, you're feeling scared, your palpitation is happening, you're feeling sweaty, and you know you are feeling debilitated by that, so this anxiety looks like this, you know, you're having shortness of breath and all that, and then jab aap unko awareness dilate hain jo is phenomena se bhi jis bhi issue se wo guzar rahe hain, उसके जो सेकंड स्टेज होती है वो एक्सेप्टेंस की होती है. व्हेन दे बिकम अवेयर ऑफ दैट कि दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, इट बिकम्स इजी फॉर देम टू एक्सेप्ट लाइक व्हाट्स हैपनिंग टू देम. या तो जब उनकी एक्सेप्टेंस हो जाती है तो देन वी सिट विद देम लाइक एंड देन फाइंड आउट. हम थोड़ा से जैसे जासूस नहीं काम करते, थोड़े से जासूसों की तरह फाइंड आउट करते हैं कि वेयर आर द मिसिंग लिंक्स, यू नो, वेयर आर द कनेक्टिव्स देयर. सो वी काइंड ऑफ साइको एजुकेट देम एंड देन वी what helps them is actually trying to learn to manage those symptoms, not to overcome those symptoms fully. And maybe it is over ambitious, maybe it's not even possible to overcome those symptoms. So maybe what we can do in our little effort is just to kind of, you know, manage those symptoms. And we, you know, first of all, if the symptoms are clinical, if they are pathological, they have to go to psychiatrists, they have to go to see their GP and then go through all that referral process, because no matter what sort of positive talk you give them, if there is some sort of a chemical imbalance in their brain, they definitely need chemicals to fix that. So maybe sometimes they need some sort of a medication which they take, and then comes the talking therapies, then comes the counseling, then comes the psychotherapy or the other modalities that could be helpful for them. So after doing that, it becomes easier for them to understand, like, you know, I can still have a good life, main abhi bhi ek achhi unda zindagi guzar sakti hu ya sakta hu despite whatever I'm going through. Same way, like, you know, if somebody is diagnosed with, से जैसे लोगों को शुगर हो जाती है या उनको हार्ट का कोई मसला हो जाता है, तो वो ये तो नहीं कहते ना कि ओह माय लाइफ हैज एंडेड नाउ, यू नो, बट दे लर्न टू मैनेज दोस. सो सेम वे दे लर्न टू मैनेज दोस सिम्टम्स. आप सही कह रही हैं. आई एम अ डायबिटिक पेशेंट सिंस लास्ट 20 इयर्स एंड आई एम मैनेजिंग वेरी वेल. I'm a normal person and I do all the activities, but definitely I know that this is a which I am having this disease and I have to manage it. I have to see ki kis tarah se usko manage karna hai, kaise sara. Acha ye to hogi baat sari traumas ki aur therapies ki,
I want to ask you कि आपने आप बताइए कि हमारे जनूबी एशिया के या हमारी कम्युनिटीज जो हैं ये पाकिस्तान, इनमें से कितने लोग आपके पास, या जैसे इंग्लिश लोग भी आपके पास, तो कितने लोग आपके पास इस अवेयरनेस के साथ ये इसको मैनेज करने के लिए, थेरेपीज के लिए या काउंसलिंग के लिए आते हैं? क्योंकि मैंने ये देखा है हमारे पाकिस्तान में फ्रेंड्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू, कि बहुत ज्यादा डिनाइल है मेंटल हेल्थ इश्यूज को. मतलब वो समझते हैं कोई ऐसी बात ही नहीं क्या. तो ये डिनाइल वाला, आपने यहाँ पे कितनी रेशो देखी और क्या किया जा सकता है? पहले तो ये बताइए. दो क्वेश्चन हो गए, आप बस इसका मुझे जवाब दीजिए. आज आपको हमने बस पकड़ लिया, तो आपने ये सारे जवाब हमारे नाज़रीन को देने हैं. थैंक यू सो मच. It's my pleasure and you're most welcome and I'm honored. जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है उसमें ज्यादातर लोग मेरे पास तो वाइट ब्रिटिश कॉकेशियन ज्यादा वो कम्युनिटी होती है, मेल फीमेल जो काउंसलिंग एक्सेस करते हैं. उसके बाद जो है वो जो इंडियन पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा ओपन माइंडेड है, वो काउंसलिंग करते हैं. फिर ब्लैक माइनॉरिटीज जो है वो भी काउंसलिंग करते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर. मतलब मेरे एक्सपीरियंस में शायद इतने सालों से मैं काम कर रही हूँ, 6-7 साल हो गए हैं, मैंने कोई सिर्फ 5 या 6 मुस्लिम पाकिस्तानी लोगों के साथ काम किया होगा. Really? Yeah. और बाकी सारे जो मेरी मेन क्लाइंटेल है जो है वो सारे कॉकेशियंस हैं और बाकी एथनिक माइनॉरिटीज के हैं, लेकिन दे आर वेरी रेयर. लाइक यू नो देर इज सो मच, आई डोंट नो, डिनायल, और देर इज सो मच फियर, देर इज सो मच स्टिग्मा अटैच विद मेंटल हेल्थ. उनके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है कि मेंटल हेल्थ इज पॉसिबल. वट एवर इज हैपनिंग दे आर नॉट एक्सेसिंग द सर्विस, दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड विद इट. इवन वेन दे कम फॉरवर्ड विद इट दे आर वेरी रिलक्टेंट. देर इज अ लॉट ऑफ रिप्रेशन. लाइक यू नो they believe in the healing power of religion. उसके ऊपर बिलीव करते हैं. फिर जैसे हमारे कल्चर में होता है, जैसे और चीजें होती हैं, जैसे मन्नत मांग ली. अगले दिन मैं एक कॉलम पढ़ रही थी जिसकी ऊपर मुझे बहुत हंसी आई. आई थिंक इट वॉज अबाउट कोविड एंड हैविंग सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड the heading of the column was Kalvanji Nights, and I couldn't get over that Kalvanji Nights. I was like laughing my heart out. So itni zyada, there is a lot of denial, there is a lot of stigma, and there is people still go. I don't know if it is because the family is very close knit, or there is a fear of that, oh, if I'm going to accept that, it means I'm going to be stigmatized by that. So I don't know if it is that fear that kind of stops them from accessing the service, if they feel that they are not going to be understood. But we have a long way to go yet. Mm-hmm. Things may have changed in Pakistan because there are people who are accessing service, and especially the upper class who are more westernized. And since therapy has become a kind of a fashion, yeah, in America, you know. So there is an upper class who is in Pakistan who are becoming aware of that and who are accessing therapy. But then when it comes to middle class or when it comes to lower class, I don't think lower class can afford, because anyway, it's going to be private in Pakistan. But even the middle class, I think there will be a lot of hesitation. There will be a lot of stigma. There will be a lot of denial for them. It's a long way yet for them to kind of see, like, you know, okay, that's something I need to go and do. People tend to talk to their friends. People tend to talk to their mothers, which is good in a way. Mm-hmm. But at the same time, whatever you're getting from your friends, whatever you're getting from your mothers, it may not be very non-judgmental. Yes. It may be conditional. So whatever scripts you have, whatever constructs you have, which are making you feel confined, or which are causing you a confliction, jo wo sari constructs hain, they get reinforced, because the thing is, we have to unlearn those constructs, we have to unlearn those scripts which are causing confliction for us. So unless you go to a place where actually you can throw any idea and you are not afraid of being judged,
you are too closed. You won't have a voice. You won't have an expression. Sometimes people don't even have a vocabulary when they come for therapy. Like, you know, they say, oh man, I feel angry all the time. And we just say, like, you know, what do you mean? What does it make you feel when you feel angry? Oh, I feel like I want to punch somebody, or I feel like I need to break something. I feel like nobody cares about me. I feel like, you know, people always let me down. So when you probe that, then you say, like, you know, people let you down. That must make you feel sad as well. That must make you feel like, you know, there is nobody there for you. So when you go underneath that anger, then there is like whole emotion palette there. Mm-hmm. Hmm. Which you can access, like, you know, actually I'm feeling let down, I'm feeling in pain, I'm feeling I'm going through a loss, maybe I'm grieving for that friendship that has broken, or that heartbreak which I have suffered from my sibling because they let me down or they didn't trust me or something. So wo sara jo hota hai wo jab hum unse baat karte hain, so sometimes people don't have that sort of vocabulary to express their emotion. And if they're not accessing the professionals, if they're going to stay within and keep on reinforcing the same old constructs, there is not going to be much openness. There is not going to be much facilitation towards change. It's gonna stay close. And आप समझती हैं कि ये judgmental ना होना और openness of the mind is very important for our community. Of course, ये तो किसी भी community के लिए जरूरी है. आप और आपको तो पता है. मैं वो इसलिए अपनी community के, because we are just doing all these services to our community, especially क्योंकि हमें जब बहुत सारी चीजों का यहाँ पता चलता है, तो हम जब आप पाकिस्तान आपका जाना कभी होता रहता है? Yes. I had best of the both worlds. I've lived half my life in Pakistan and I lived half my life in UK. हाँ जी, वो तो देखें तो इस तरह से फिर यकीनन आपको भी, आप क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, जब आपके पास क्लाइंट्स, अभी मैं कितनी परेशान हो गई हूँ सुन के, 7-8 years में आपके पास 3-4 लोग आए अपनी, हमारे मुस्लिम्स, तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं हम ऐसे लोगों को? जाहिर ऑफ कोर्स वन सोर्स इज लाइक कि मैंने जैसे आपको शो पे बुलवाया है और हमने बात की है, तो ये जहां तक अगर हमारे इस शो से कोई 4 लोग, कोई 5 लोग, कोई 2 लोग, कोई 1 बंदा भी इस चीज को समझ गया और वो इसकी तरफ, वो उनको थोड़ी सी इस चीज का एहसास हो गया कि मैं अगर किसी वजह से स्ट्रेस हूँ, एंजाइटी है या कुछ है, तो वो मैं समझूंगी कि आपकी और हमारी मेहनत को फल मिल गया. तो ये कैसे हम ये माइंडसेट चेंज कर सकते हैं? डिनाइल वाला, स्टिग्मा ना होना, It's a long way, but फिर भी कैसे कर सकते हैं, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि अब देखें, अब जैसे एजुकेशन होती है, एजुकेशन भी 2 तरह की होती है. एक तो एजुकेशन ये होती है कि मतलब आप रट लेते हैं जो भी स्कूल में होता है, और एक एजुकेशन ये होती है जिसके अंदर आपकी एबिलिटी होती है टू चैलेंज, टू क्वेश्चन, to have an open discussion, to have a discourse, you know, with people. तो मुझे ऐसे लगता है कि जो एजुकेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जो जिसके अंदर, जो आपके अंदर क्वेश्चनिंग की, सेल्फ रिफ्लेक्शन की, अवेयरनेस की जगह पैदा करे, ताकि आप उन डॉक्ट्रिन्स को, आप उन स्क्रिप्ट्स को, आप उन कंस्ट्रक्ट्स को चैलेंज कर सकें दैट हैव शैकल्ड यू. इफ अगर आप चैलेंज नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप क्वेश्चन कर सकें कि व्हाई आई हैव टू बी लाइक दिस, यू नो, व्हाई दिस थिंग हैज टू बी लाइक दिस. लेकिन अगर हमारा जो कल्चर है उसको देखा जाए, तो उसमें तो ये बहुत ही मुश्किल है. तो मुझे ऐसे लगता है कि अवेयरनेस होना, ये रेकग्नाइज करना कि देर इज अ नीड फॉर चेंज, एंड इट इज नॉट अनसेफ टू हैव दैट चेंज, because sometimes people hang on to things because they are so used to, because they feel that is their safety net, like, you know, that's their comfort zone, so they hang on to those things and they find it difficult to leave those things. Jab unko ye feel karaya jaye ki actually it's not unsafe to have a little bit of uncertainty, and to create that room which will give you some space to have some new ideas, to have some new constructs, and it's okay to do that.
जब तक ये फ्रैंकनेस नहीं होगी, ये ओपननेस नहीं होगी, ये डिस्कशन नहीं होगी कल्चर के अंदर, ये चीज नहीं आएगी कि वी इट्स ओके टू क्वेश्चन, तब तक ये मुश्किल होगा. और जब हम इसकी भी बात करते हैं क्वेश्चन कैसे करना है, तो हमारा अगर आप कल्चर देखें या हमारी जो सोसाइटी बैक होम देखें या हमारे वो डायस्पोरा जो बड़े अरसे से पहले से इधर आए हुए हैं एंड देयर माइंड इज स्टिल stuck there, like, you know, when they moved in here in their 60s and 70s and they haven't moved on from that because mentally in a different era. So I think that awareness, that challenge needs to be there. They need to learn to change with the times. Aur ye ek aspect, matlab har ek cheez ke andar religion ka element hona, that makes everything so sacred, that makes everything so muqaddas, you know, that makes things so, like, you know, oh, you can't question that, because if you're questioning that, you are actually questioning the religion, and if you are questioning the religion, nauzubillah, you're doing something really bad, so you cannot do that. So the fear, it's so strong, it's so ingrained, the concept of halal and haram, and it's like, it's so concrete, it's so, like, you know, is that song halal, is that song haram, like, you know, is that way of dancing halal, is that painting haram. So the expression, freedom of speech, freedom of thinking, questioning, discourse, and this thing, what you're doing here, you're doing a great job, and the question's been brilliant so far. So these kind of things will perhaps open some sort of, like, maybe. अच्छा, मैं समझती हूँ कि ये जो क्वेश्चन ना करने की जो तरगीब दी जाती है, या पाकिस्तान में या इधर भी बहुत सारे, जैसे हम कहते हैं बहुत से लोग जो 60s में आए हैं, दे आर स्टक एट वन पॉइंट, मेंटली ग्रोथ नहीं हुई, तो रिलीजन को भी जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली उनकी अपनी वीकनेस है. रिलीजन तो आपको ये नहीं कहता कि आप हर चीज को दबा के रखो, हर चीज सप्रेस करो, क्योंकि जितना हम एक प्रेशर कुकर के ऊपर दबाते जाएंगे, बंद करेंगे, वो सप्रेशन होगी तो वो दूसरे तरीके से निकलेगी. लाइक आप हम यही समझते हैं. सो फॉर सो थैंक यू सो मच, क्योंकि टाइम हमारे पास लास्ट 5 मिनट है, और उसमें मैंने आपकी पर्सनालिटी का एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट रुख है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, आपका लिटरेरी टेस्ट. तो लिटरेरी टेस्ट में यू आर सो गुड. मैंने अभी आपकी जो पोएम पढ़ी है, और उसके अलावा मुझे आपकी एक पोइम लेट दोज थॉट्स हिट द एयर, जो आपने उस पे फायर ड्रैगन बड़ी बहुत ही, इट वाज अमेजिंग आपकी फील जो है, तो उसके बारे में बताइए कि आपको लिटरेरी टेस्ट कहाँ से. एक तरफ एक दूसरी फील्ड है पूरी टेक्निकल, और दूसरी तरफ एक आपके अंदर जो एक, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिएटिव पर्सन, पोइट्री करने वाली यास्मीन, और एक पोइटिस, ये कैसे इतना खूबसूरत इम्तिजाज कैसे हुआ? थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट. आई थिंक यू वेरी वेरी जेनरस विद योर कमेंट्स, इट्स रियली, यू डिजर्व दैट. या आई पर्सनली बिलीव दैट, यू नो, योर हेल्थ और योर बीइंग इज नॉट सिंगुलर, इट्स वेरी होलिस्टिक. Like every aspect of your being is intermingled. So jahan pe hum ye baat karte hain ke you need to be spiritually enlightened, I feel there needs to be a creative expression as well. So apne aap ko balance rakhne ke liye aapko in touch hona padta hai har cheez ke sath, apni sexual health ke sath, apni mental health ke sath, apni physical health ke sath, apni creative health ke sath, apni spiritual health ke sath. To meri jo ki creativity hai, I think that's expression, self expression, to get in touch with my creative health. And I have a background of studying literature, so I've done my masters in English literature from Pakistan, so that is my passion. Like, you know, I've read those people, and I think the loose ends are connecting and something is coming out of that. I don't know what, but it seems like something is happening there. Very nice. Because mera bhi subject jo hai wo English literature hi raha hai. So I was appreciating a lot your verses, aur main aapko follow bhi karti hu. Aur mujhe bahut acha lagta hai ki jahan pe
एक एक बहुत ही अच्छा सा ब्लेंड बन जाता है ईस्ट और वेस्ट का भी, और फीलिंग्स का, इमोशंस का, और प्रैक्टिकलिटी रियलिस्टिक अप्रोच का भी, और फिर आप इमेजिनेटिव होके क्रिएटिव भी सारे होते हैं। तो अभी लास्ट एक क्वेश्चन आपसे मैंने जरूर पूछना है जाते जाते, इसी तरह पहले तो शायरी करती रहिए, इसी तरह लिखते रहिए, इसी तरह खूबसूरत बनती रहिए, इसी तरह प्यार से और हंसते मुस्कुराते अपने क्लाइंट्स को देखते रहिए। आपसे मैं जरूर ये जाते जाते पूछूंगी कि हमारे बहुत सारे जो कपल्स होते हैं उनमें जो आपने रिलेशनशिप थेरेपी आप करती हैं उनमें किन लोगों को आना चाहिए, कैसे लोगों को थेरेपी के लिए आपके पास आपको कंसल्ट करना चाहिए? We believe as therapists, and I strongly believe, sometimes we leave it too late. कई दफा रप्चर इतना बैड हो जाता है कि हम उसको बहुत आखिर तक छोड़ देते हैं। बेसिकली जब इनिशियली आपको फील होने लगे कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो उसमें फ्लो नहीं रहा, उसमें एक्सप्रेशन नहीं है, आप you feel as if you're losing a voice in a relationship, you feel as if you know you can't say, or you're tiptoeing around somebody's feeling, or somebody else is tiptoeing around your feeling on a very initial stage, I think one should go, the couple should access couple therapy at that time rather than waiting for it to things to go worse and then the too late ya tak ko bahut der ho jata हाँ, ताकि हॉस्टिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वो मुश्किल हो जाए उनके लिए उस चीज को मैनेज करना। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब रप्चर होना शुरू हुआ है उसी वक्त आप एक्सेस कर लो, बिकॉज इट्स वी व्हाट वी डू इज लाइक यू नो वी गो थ्रू इट, वी आर नॉट telling you who's done this wrong or who's done that. Nobody's referee there. We are not refereeing there. We actually go through the issues which are causing some sort of a dysfunction in the relationship. Wo dysfunction kuch bhi ho sakta hai. Things don't have to go so bad for you to access therapy. So initially, jab aap feel karne lage ki uske andar dysfunction hai, whether you are having intimacy issues, whether you are having communication issues, whether you're feeling like, you know, you are not being understood in a relationship. Mm-hmm. Because this is a basic human emotional need to have a sense of belonging, mm-hmm. And to be understood. So when you are feeling that you are not being understood in a relationship, or you don't have that sense of belonging, somehow you're feeling that the trust is eroding or something is happening, you should access relationship therapy. Thank you so much, Yasmin. It was wonderful talking to you. और इसके साथ मैं आपको भी बताना चाहूंगी कि और अपने नाज़रीन को भी कि कोई ये काउंसलिंग करना, थेरेपी या मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं कोई स्टिग्मा वाली बात नहीं। उसमें मैं अपनी मिसाल आपको दूंगी, जब मेरे फादर व्हेन माय फादर पास्ड अवे और मैं किसी वजह से उनको पाकिस्तान जाके उनको उनका बरियल वगैरह नहीं दे सकी, तो वो मुझे इतना ज्यादा, मैं शौक में थी कि मेरे शौक के बाद मैं उसके लिए मैंने 2-3 साल ट्रीटमेंट करवाया और फिर मैं नॉर्मल हुई। और अभी मैं जैसे उनका अब मैं ये उनका चैनल भी लेके चल रही हूँ, तो ये अब नाउ इट इज माय प्राइड, इट इज माय सेंस ऑफ अचीवमेंट। और मैं उस शायद मैं उस वक्त मेरी अपनी ही एक कुलीग ने कहा, बिकॉज आई यूज टू क्राई अलॉट, बहुत ज्यादा कि मैं बात करती थी तो मुझे बस बहुत उनको मैं मिस करती थी, देन मैं उनकी फिजिकल, क्योंकि यहाँ से फोन पे बात करती थी, उसको मिस करती थी। ग्रेजुअली मैंने इसी तरह थेरेपीज ली, काउंसलिंग ली, टॉकिंग थेरेपी हुई, और देन आई बिकम अ नॉर्मल पर्सन, क्योंकि मैं उस उनकी डेथ के डिनाइल को मैंने फिर एक्सेप्ट किया, जैसे आपने बताया कि फिर उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है और फिर वो ग्रेजुअली आप चीज। तो ख्वातीनों हज़रात, ये कोई ऐसी बात नहीं, हमारे आज के शो का मकसद यास्मीन को हमने जो यहाँ बुलवाया स्पेशली यही है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए रिलेशनशिप्स में, तो आप अगर अपना, ये ऐसे ही है जैसे आपको हेडेक हो जाए तो हम कहते हैं चले पैरासिटामोल खा लें, तो इसी तरह से आपको वो सब मिल जाता है। थैंक यू सो मच यास्मीन, थैंक यू। लास्ट 30 सेकंड में आप कुछ कहना चाहें, माइक इज योर्स। I'm very grateful
that you've invited me, given me this forum to talk about. And you're really lovely. I love your voice, by the way. Thank you so much. Honestly, I really appreciate your personality. आप जैसे pleasant लोग हमें बहुत सख्त जरूरत है. Thank you so much, lovely. और इंशाल्लाह आपको हम जब कभी हमें questions या लोग कहेंगे, हम आपको गाहे बगाहे जहमत देते रहेंगे. Because that would be your service to all over the world for the better people, for the better societies. Thank you. My pleasure, my honor. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Take care.